नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्नो विकास और मैं आपका होस्ट विकास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम लोग अपने आधार कार्ड डिटेल्स जो है वो कैसे सुधार सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि हम लोग किस साइट में जा करके और अपना जो आधार कार्ड का डिटेल्स है उसे अपडेट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि आप देख पाएं हमारा वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलतियां हो गई हैं एड्रेस में या फिर नाम में या फिर आप चेंज कराना चाहते हैं अपना एड्रेस तो ये कैसे कराएं और वो भी घर बैठे, मतलब कि ऑनलाइन, और इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो जा सकते हैं इसके ऑफिस में बट घर से ही आपका काम हो जाएगा तो आप ऑफिस क्यों जाएंगे, है ना। क्या तरीका है वो हम आपको गाइड करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने वेबसाइट में www.uidai.gov.in को टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन होगा। ये आधार का वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखिए आपको आधार कार्ड अपडेट करने के लिए बस यहाँ जो एक अपडेट आधार डिटेल्स ऑनलाइन है उस पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जरूरी है आपका पासवर्ड रिसीव करने के लिए और जो भी आप पढ़ लीजिए ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से एक दूसरा पेज ओपन होगा और पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है अपना आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा। मैं डाल रहा हूँ अपना आधार कार्ड नंबर अभी। और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पे देखिए इसके ठीक नीचे जो है कैप्चा है उसको आपको एंट्री करना होगा और एंट्री करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सेंड ओटीपी है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको तब तक वेट करना होगा जब तक आपका जो ओटीपी है वो नहीं आ जाता है। बाद जो है अपना जो ओटीपी आया है आपके मोबाइल पे इसे यहाँ पे डाल दें और इंटर कर दें और इंटर करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और ये पेज खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना होगा आपके आधार कार्ड में क्या चेंज करना है। नाम चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर ईमेल आईडी चेंज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और डेट ऑफ बर्थ पे टिक लगाने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सही करना है। तो यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ जो है सही करें और सही डेट ऑफ बर्थ जो है भरने के बाद सबमिट अपडेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक दूसरा पेज ओपन होगा और इसमें आपका अपडेटेड डेट जो है यहाँ शो हो रहा है और इसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पे एक टिक लगाना है कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी टू द UIDAI एंड द इंफॉर्मेशन कंटेंट हियर इन इज ट्रू करेक्ट एंड एक्यूरेट। मतलब कि मैंने जो अपडेट किया है वो सही है और मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टिक लगाने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड पे टिक लगाना है, ना कि मॉडिफाई। मॉडिफाई में आप क्लिक करेंगे तो एक स्टेप बैक चले जाएंगे जहाँ पे आपको फिर से डेट चूज करना होगा। तो यहाँ पे है दोस्तों आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक पेज खुल जाएगा क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट साइट है और आप अगर अपना आधार कार्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ प्रूफ देना होगा कि मैं जो भी अपडेट कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और यहाँ से आप चूज कर ले कि आपको क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। मैं यहाँ पे अपना अभी पैन कार्ड जो है उसे चूज करता हूँ और पैन कार्ड चूज करने के बाद यहाँ पे देखें दोस्तों चूज फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो पैन कार्ड है या तो आप उसका अच्छे से फोटो ले लीजिए और वो इमेज फाइल में होना चाहिए, मतलब कि JPG फाइल में, या तो अपना डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करा करके रख लें कंप्यूटर में और यहाँ से अपलोड कर दें। अभी मैं अपलोड करता हूँ और दोस्तों अपलोड होने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन जो है इनेबल हो जाएगा। आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे
तो एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे जो है पूछा जाएगा कि आपने सब चीज़ ओरिजिनल स्कैन कॉपी है ना, मतलब कि हैव यू अपलोडेड द ओरिजिनल स्कैन कॉपीज ऑफ द अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, और उसके ठीक नीचे इज़ द डॉक्यूमेंट अटैच एज पर द UIDAI लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट। तो मैंने वहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट किया था और स्कैन जो है मैंने पैन कार्ड का ही किया था, तो मुझे यहाँ पे यस कर देना है। और यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक न्यू टैब खुलेगा, और यहाँ पे आपको पहले क्या होता था दोस्तों कि दो सर्विस प्रोवाइडर होते थे, ठीक है, कि किसके थ्रू चाहिए होता है आपका आधार कार्ड, बट यहाँ पे अभी देखिए मुझे एक ही शो कर रहा है कार्वी करके, और आपका जो आधार कार्ड है न्यू अपडेटेड आधार कार्ड वो इसी के थ्रू आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट प्रोसीडिंग टाइम 2 डेज 1 आवर, और विद इन 15 डेज आपका आधार कार्ड आपके घर पर पहुँच जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक नया टैब खुला है और यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट रिक्वेस्ट कंप्लीट। ठीक है, आपका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है, इसे नोट कर लें क्योंकि आगे चल के अगर आपको देखना है कि हमारा स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का जो मैंने सुधार के लिए दिया है, तो आप इस नंबर के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप प्रिंट कर लें या तो डॉक्यूमेंट फाइल बना के एज ए PDF अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि आप कैसे अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम लोग ऑनलाइन अपडेट करें कि नहीं करें, और वो साइट जेन्युइन है कि नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको एक एग्जांपल देख करके और समझा दूं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।